हेलो, доброе утро, नमस्कार। Сегодня я хочу показать вам, как в России продают елку, как они выглядят до тех пор, пока их не украсили. आज मैं आपको क्रिसमस ट्री का बाज़ार दिखाना चाहता हूँ, कैसा लगता है वो देखने में। जब वो सज जाता है वो अलग से दिखता है, और जब वो ख़रीदने जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, पीछे ये लगे हुए हैं सब क्रिसमस ट्री। बहुत जाजी मियाँ प्रदायुत योग्य, बहुत पसमादी जे कका क्रसीवा योग का। ये देखिए कितना सुंदर ये ट्री है। ये देखिए, ये बर्फ़ के अंदर इन्होंने फिक्स किया हुआ है, ये उग नहीं रहा यहाँ पर। एतो नी रस्त्योत, एतो अनी व्सो उस्तनविले। ये देखिए क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है। अलग अलग रेंज के हैं क्रिसमस ट्री। इस जगह पर तने को लगाकर इसको टाइट किया जाता है, закручивается и устанавливается елка здесь. Вы видите? Так. ये देखिए, पूरा यहाँ पर थोक में बिक रहे हैं। Посмотрите, можно и оптом купить елки. थोड़ा पास से देखते हैं। ये डाली है क्रिसमस ट्री की। ये देखिए क्रिसमस ट्री यहाँ पर बहुत ये पैक्ड हैं। अब आप आए हैं, आपने देख लिए इसको, अपना इसको उठा कर खुद ले जाएं। ये देखिए पूरा बाज़ार, इसको बोलते हैं योलचनी बाज़ार सेंट पीटर्सबर्ग में। तो देखिए वहाँ पर थोड़े से ख़रीदारी करने आए हैं। ये यहाँ बेचने वाले हैं। हेलो, здравствуйте, как дела? Нормально. Сколько стоит елка сейчас? 1000 рублей. 1000 рублей метр? 1000 рублей का एक मीटर मिलेगा आपको, और जैसे जैसे उसकी हाइट होगी वैसे ही आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कितना प्यारा है। अगर आप पूरा ये नहीं लेना चाहते हैं, ये से वही नहीं खर्ची चे पकुपाई सल जी रहे वो योलको, तकदा वो मोर्च चे पकुपाई वो ताको योलको। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर, इसको योका बोलते हैं क्रिसमस ट्री को। और ये देखिए डालियाँ, ये डालियाँ है। स्कोकस तो इतवियत की है 200 रुपये। ये ऐसे डालियाँ आप ले जा सकते हैं, तो ये घर में फ्रेगनेंस देती हैं। अन्य ओचिन खरशो पाख नुत कगदा दामोय प्रिनीस्योत स्तोत सिवो 200 रुपये। 200 रुपये की ये डालियाँ। ये देखिए, ये ऐसे इन्होंने अपने आप बनाया है, इसको देखो नीचे से, और ये थोड़ी सी लकड़ी का है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अस्को कस्तो एतत पल्तरा तीस इचा, इसका रेट 1500 रुपीज़ है, या रूबल जैसे बोलिए। ये देखिए बर्फ में ये खुद खड़े होकर यहाँ बेच रहे हैं, कितनी प्यारी ये डालियाँ हैं। हर साल ये लगाते हैं। каждый год они открывают ёлочный базар здесь. Я тоже покупал у них каждый год, но в этом году я не буду покупать. Вот так вот красиво здесь. А сегодня сколько ёлки уже продали? Две. Две ёлки уже. Вы не замёрзли здесь? Немножко. Немножко, да? Мэре пучая, как и ты, апне бече хэн аж ёлка, Christmas tree. Вот смотрите, это тоже елка или это не елка? Сосна. Сосна. Friends, ये Christmas tree नहीं है, इसको सस्ना बोलते हैं रशिया में। अगर आपको इंग्लिश में पता हो कि इस पेड़ का क्या नाम है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। रशिया में इसको सस्ना बोलते हैं, और इसका यूज़ भी यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा है और थिक कितना है। इसके ऊपर आप जब अगर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा लगेगा ये यहाँ पर। तो ये देखिए सस्ना इन्होंने रखा है, वो चिन क्रसीवा, वो ताक वो काका यो का बश है। स्मदीचे, ये देखिए कितना प्यारा है। स्पाइसी वाम बशोए, उदाश वाम दिया, रसिदानिया।
बहुत ठंड है फ्रेंड्स। ये देखिए इतनी ठंड में भी ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री, और जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो चाहिए कि अपना क्रिसमस ट्री लगाए। उकवो मालिंग कीजिए चे पजाओ सच्चे पकुपाए चे या तो जो पकुपाल для своих детей они им нравилось в этом году я решил ёлку не покупать इस साल क्रिसमस ट्री मैं नहीं लगा रहा हूँ। इंडिया में क्रिसमस था कल 25 दिसंबर को вчера в Индии отмечали Рождество и я хочу поздравить вас всех католиков। रशिया में जीसस क्राइस्ट का बर्थडे जिसे हम क्रिसमस कहते हैं वो 7 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये स्लोवेनियन है इसलिए यहाँ का दिन अलग है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे का। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सैति मिस्लावा में इस पजरवलेंज में इस नस्तुपाइशिम नोविंग गोदम या प्रश्चाय स्वामी, और अपकमिंग हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आपको देते हुए मैं डॉक्टर भुवन शर्मा आपसे विदाई लेता हूँ। दस विदान्य गुड बाय।